हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को रेलवे काउंटर टिकट तत्काल टिकट फॉर्म कैसे भरा जाता है वो आज के इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे यात्री है जो अपना तत्काल टिकट फॉर्म ठीक से भरना नहीं जानते हैं, और अगर कोई यात्री है जो फॉर्म भर भी लेता है तो उनको कोई ना कोई इशू हो जाता है। जैसे कि वो टिकट कलर को जैसे ही अपना फॉर्म देते हैं तो वो कोई ना कोई इशू निकाल देता है, वो फॉर्म रिजेक्ट कर देता है, बोलता है आपका ये गलती है तो आपका वो गलती है। तो आप लोगों के लिए मैं खास करके ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इस फॉर्म में मैं स्टेप बाय स्टेप एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। इस फॉर्म में बहुत सारा ऑप्शन होता है जो कि आपको तत्काल के टाइम में यूज़ नहीं किया जाता है, बस वही यूज़ किया जाता है जो आपको कंफर्म सीट मिल सके। उसमें ज़्यादा कुछ आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो चलिए, आपको फॉर्म फिलअप कर मतलब फिल किया हुआ है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म दिखा के आप सभी को मैं बताता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये मतलब काउंटर टिकट फॉर्म है जो कि आप नज़दीकी कोई भी रेलवे स्टेशन से आप ये फॉर्म ले सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म से ही आप टिकट का रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं और इसी फॉर्म से आप टिकट का कैंसिलेशन भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर में देख पा रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन कम कैंसिलेशन रिक्वेशन फॉर्म दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरे को रिजर्वेशन करना है और तत्काल टिकट बुकिंग करवाना है। तो जैसे कि आप फॉर्म देख पा रहे हैं, फॉर्म के ऊपर में एकदम जैसे कि मैं वहाँ पर तत्काल टिकट मतलब तत्काल कोटा लिखा हुआ हूँ, ठीक है, वो तत्काल ही है। तो सेम वैसे ही आप रिजर्वेशन पर टिक करके आप ऊपर में तत्काल लिख दीजिएगा, ठीक है। और बाद बाकी आपको जो ये बॉक्स वगैरह जो दिया हुआ है, इस बॉक्स में आप लोगों को कुछ टिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल टिकट के लिए है, ये तत्काल के लिए नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप देखिए यहाँ पर ट्रेन नंबर और नेम दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में तो ट्रेन नंबर और ट्रेन जिस ट्रेन में आप सफ़र करना चाहते हैं उस ट्रेन का ट्रेन नंबर आप दीजिएगा और उस ट्रेन का नाम लिखिएगा। अगर आपको नाम नहीं लिखना है तो सिर्फ आप ट्रेन नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में जाके आप जहाँ से जहाँ सफ़र करने वाले हैं वहाँ आप सर्च करके आप ट्रेन नंबर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं डेट ऑफ जर्नी, आप कितने तारीख को ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं, मतलब एक दिन पहले जो बुकिंग होता है तत्काल टिकट। तो मैं जैसे कि आज 31 तारीख है तो मैं 1 तारीख के डेट में टिकट बुकिंग करवाने वाला हूँ। तो मैं 1 तारीख 6 महीना 2023 में इंटर कर दिया। इसके बाद आता है क्लास, आप कौन सा क्लास में सफ़र करने वाले हैं, 3rd AC, 2nd AC, 1st AC या स्लीपर। जैसे कि मैं स्लीपर का बुकिंग करवाना चाहता हूँ तो मैं स्लीपर SL लिख दिया हूँ क्लास के जगह पे, ठीक है। नंबर ऑफ सीट या बर्थ, मतलब आप कितने लोगों का टिकट बुक करवाना चाहते हैं तत्काल में। एक बार में 4 लोगों का तत्काल बुकिंग होता है तो फिलहाल मेरे को 2 ही चाहिए, इसलिए मैं 2 उसमें लिख दिया हूँ, ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्टेशन फ्रॉम, आप किस स्टेशन से गाड़ी पकड़ने वाले हैं उस स्टेशन का नाम आप इंटर करिएगा, मतलब लिखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ मुझे न्यू दिल्ली से गाड़ी पकड़नी है। इसके बाद आप कहाँ तक जाइएगा, तो 2 में आप वहाँ तक लिख सकते हैं जहाँ तक आप जाना चाहते हैं। तो मैं 2 हावड़ा लिख दिया हूँ क्योंकि मुझे हावड़ा तक जाना है। इसके बाद देखिए नीचे में दिया हुआ बोर्डिंग एट का मतलब ये होता है वही, मतलब आप किस स्टेशन से गाड़ी पकड़ने वाले हैं। तो मैं क्या किया हूँ, न्यू दिल्ली जो नहीं लिखा उसका कोड भाषा जो होता है वो कोड लिख दिया हूँ, ठीक है। सेम ऐसे रिजर्वेशन अप टू कहाँ तक, सेम वही होगा जो ऊपर में आप लिखे रहेगा, नीचे में डिटो वही होगा। तो मैं सिर्फ कोड में लिख दिया हूँ HWH। इसके बाद नीचे में आप देखिए मोबाइल नंबर दिया हुआ, उसके नीचे में आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा जिस पे आपका टिकट का मैसेज मिल जाएगा। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे पेमेंट मोड, आप तो ज़्यादातर रेलवे काउंटर पर कैश ही होता है तो इसलिए मैं कैश लिख दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद नीचे चलते हैं पेमेंट मोड के बाद, जैसे नीचे में आप अपना नाम फिलअप करना है जो ट्रेन में सफ़र करने वाला है। जैसे कि इसमें अगर आप नाम भी फिलअप करिएगा तो याद रखिएगा इसमें कैपिटल लेटर में आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मैं कैपिटल लेटर में लिखा हूँ। और एक बात कि इसमें 15 लेटर से ज़्यादा आप वर्ड नहीं लिख सकते हैं, 15 लीटर ज़्यादा अगर आप नाम लिखेगा तो टिकट में इशू नहीं हो पाएगा और वो आपको टिकट जो कलर होता है वो रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कि 15 वर्ड से ज़्यादा वर्ड आप इसमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल लेटर में आप अपना नाम लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए नेशनलिटी में इंडियन, आप मैं जैसे कोड में आप आई लिख सकते हैं, मैं भी आई लिख दिया हूँ। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो आपको देना होगा दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एज दे देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप चॉइस ऑफ बर्थ जो दिया हुआ है, चॉइस ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, ये आपका मन का बात है, आपका जो जहां इच्छा वहां आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में वेज नॉन वेज, अगर कोई 3rd AC में अगर ट्रेवल्स कर रहा है तो वो वेज और नॉन वेज में टिक कर सकता है, उसको वेज चाहिए या नॉन वेज चाहिए, ठीक है।
इसके बाद 12 साल का बच्चा अगर आपके साथ ट्रेवल करने वाला है तो आप उसका भी नाम कैपिटल लेटर में आप दीजिएगा। कैपिटल लेटर में देने के बाद उसका मेल और फीमेल जो होगा वो दे दीजिएगा। इसके बाद एज आप लिख दीजिएगा। इसके बाद सबसे नीचे में आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसमें आपको रिटर्न जर्नी डिटेल दे रहा है, तो ये आपको तत्काल टिकट में सबका जरूरत नहीं पड़ता है, ये सब नॉर्मल टिकट में जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो आपको तत्काल टिकट लेना है तो आपको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक तो नीचे में दिया हुआ है नेम ऑफ अप्लीकेंट, जैसे कि जो काउंटर पे जो गया है टिकट कटवाने के लिए उसका नाम क्या है, ठीक है। तो जैसे कि मैं ही गया हूँ इसलिए मैं अपना नाम दे दिया हूँ, ऐसे ही जो भी टिकट कटवाने जाएगा वो अपना नाम यहाँ पर दे देगा। इसके बाद आपका फुल एड्रेस, मतलब जिस जगह से आप टिकट बनवा रहे हैं वहाँ का फुल एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान के चले मैं दिल्ली से बनवा रहा हूँ तो दिल्ली का ही एड्रेस होगा, बट मैं कलकत्ता का एड्रेस दिया हुआ हूँ तो आप वहाँ का दिल्ली का ही एड्रेस, मतलब आप जिस जगह से आप टिकट बनवा रहे हैं वहाँ का आप एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द अप्लीकेंट, मतलब ये भी आपको एकदम मोस्ट होता है, अगर आप सिग्नेचर करके उसको मतलब टिकट क्लर्क को नहीं देते हैं तो इससे इस पे भी वो आपको मतलब फॉर्म रिजेक्ट करता है, आपको देता है कि ये साइन करिए, मतलब तत्काल के टाइमिंग में उतना टाइमिंग नहीं रहता है कि आप इतना मतलब फॉर्म लीजिए फिर दीजिए, तो मतलब टाइम नहीं रहता, आपका टाइम लॉस हो जाता है। सो इसीलिए आप सिग्नेचर करके आप उसको हैंड ओवर करिए, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप नीचे में देख पा रहे हैं कि आधार नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जो यात्री ट्रेन में सफ़र करने वाला है उनका आधार कार्ड का नंबर इसमें आपको लिखना होगा। इसके बाद जिस डेट पर आप काउंटर पर गए हैं टिकट कटवाने के लिए उसका बगल में देखिए आधार नंबर के बगल में डेट दिया हुआ, वो आप डेट दे दीजिएगा, और टाइमिंग देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना में आपका फॉर्म कम्प्लीट, बस यही प्रोसेस है। बहुत सारे लोग इस फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, भूल भाल लिख देते हैं, मतलब कुछ भी इसमें फॉर्म फिलअप कर देते हैं, जो कुछ भी दिया हुआ है सब लिख के अब वो टिकट क्लर्क को देते हैं, इसीलिए वो रिजेक्ट करता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है इस फॉर्म को भरना। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप सभी को अच्छे से फॉर्म फिलअप करने का तरीका आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है। सो आई होप कि आप सभी को हमारा ये जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।